नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा आप सभी के समक्ष सामर्थ एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर उपस्थित हूं। ज्ञानम एव सामर्थ्यम, ज्ञान ही सामर्थ्य है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की समसामयिक आधारित MCQ सीरीज चल रही है, तो इसी कंटिन्यूटी में चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ समसामयिक की प्रश्नोत्तरी में सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, प्रदेश का पहला इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम, ठीक है, कहाँ निर्मित किया जा रहा है? वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम ऑफ द स्टेट बीइंग कंस्ट्रक्टेड? ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है रायगढ़ और ऑप्शन डी है दुर्ग। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, रायपुर। तो चलिए इसको डिटेल समझते हैं। प्रदेश का पहला इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम रायपुर में निर्मित हो रहा है, जिसकी लागत 17 करोड़ रुपये है और यह 15 महीने के भीतर तैयार होगी, ठीक है, और यहाँ कुल 6 टेनिस कोर्ट बनाए जाएंगे। द फर्स्ट इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम ऑफ द स्टेट इज बीइंग बिल्ट इन रायपुर। इट विल बी रेडी इन 15 मंथ्स विद अ कॉस्ट ऑफ ₹17 करोड़। अ टोटल 6 टेनिस कोर्ट्स विल बी बिल्ट हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंडित वामन राव लाखे सहकारिता सम्मान, ठीक है, सहकारिता सम्मान है पंडित वामन राव लाखे कोऑपरेटिव अवार्ड 2020, ठीक है, 2020 का सहकारिता सम्मान किसे दिया जा रहा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो इसके 4 ऑप्शन है, श्री झुनमुन गुप्ता, ठीक है, ऑप्शन बी है चंद्रपाल सिंह यादव, ऑप्शन सी है भारती अवस्थी और ऑप्शन डी है रमजान अंसारी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, झुनमुन गुप्ता। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में MG रोड में स्थित, ठीक है, दादाबाड़ी को तीर्थ का दर्जा दिया गया है, ठीक है, किसे तीर्थ का दर्जा दिया गया है? दादाबाड़ी को, ठीक है, यह जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित होगा? MG रोड कहाँ है आपका? रायपुर में स्थित है, ठीक है, रायपुर में स्थित है आपका MG रोड, यहाँ पर दादाबाड़ी है, उसे तीर्थ का दर्जा दिया गया है। किसी भी जैन मंदिर को तीर्थ का दर्जा तब दिया जाता है जब उस मंदिर को 100 साल पूर्ण हो चुके हों, ठीक है, या फिर 100 साल से ज़्यादा पुराना हो तो उसे तीर्थ का दर्जा दिया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी अजितनाथ, ऑप्शन सी है संभवनाथ और ऑप्शन डी है धर्मनाथ मूल नायक। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, धर्मनाथ मूल नायक। 150 वर्ष पुरानी MG रोड पर स्थित, ठीक है, दादाबाड़ी को तीर्थ का दर्जा दिया गया है, इसका 22,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में पुनर्निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसे रीबिल्ड किया जाएगा। यह जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर, ठीक है, 15वें तीर्थंकर हैं, भगवान धर्मनाथ मूल नायक को समर्पित होगा। इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट के निकट भी एक नया जैन मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक है, एक नया जैन मंदिर निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी रायपुर में किस देश से, ठीक है, जो कि जंगल सफारी आपका रायपुर में स्थित है, यहाँ किस देश से जिराफ और जेब्रा लाया जा रहा है? एशियाज लार्जेस्ट मैन मेड जंगल सफारी फ्रॉम विच कंट्री आर जिराफ्स एंड जेब्रास बीइंग ब्रॉट इन रायपुर? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, अफ्रीका। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी अफ्रीका के वन विभाग की अनुमति के पश्चात अब जिराफ और जेब्रा को यहां पर लाया जा रहा है, ठीक है, उनके अप्रूवल मिलने के बाद ही आपका अफ्रीका से, ठीक है, अफ्रीका से आपका जिराफ और जेब्रा लाया जा रहा है। इवन इसके साथ ही साथ अगले महीना नवंबर माह के अंत तक आपका ईमू पक्षी भी लाया जाएगा, ठीक है, ईमू पक्षी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईमू बर्ड बोलते हैं इसे, ठीक है, ईमू एक प्रकार का पक्षी होता है, यह भी PSC में एक बार पूछा जा चुका है। इसके साथ ही साथ जंगल सफारी में आपके 37 बाड़े हैं, ठीक है, 37 बाड़ों का एक जू बनाया जा रहा है, जिसका टोटल, देखिए, जंगल सफारी के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इस 200 करोड़ में से अब तक 150 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, यानी कि केवल 50 करोड़ शेष रह गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ठीक है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जजेस करंटली वर्किंग इन CG हाई कोर्ट? ये GC नहीं है, ये क्या है आपका? CG है, ठीक है, ये गलत लिखा गया है। इसका 4 ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 17। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 15। चलिए इसको भी डिटेल समझते हैं। उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है, की सूची जारी की गई है, वर्तमान में एक सूची जारी की गई है जिससे पता चला है कि सर्वाधिक न्यायाधीश आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। कितने हैं? 105
टोटल कितने सीट हैं, 160 जजों की सीटें हैं वहाँ पे, लेकिन 105 फिलअप की गई हैं, यानी 55 जजों की संख्या वहाँ पर कम है। और इसके साथ ही साथ यदि हम न्यूनतम देखें तो न्यूनतम है आपका सिक्किम हाईकोर्ट में, जहाँ पे केवल 3 सीटें ही हैं, 3 में से 3 फिलअप की गई हैं, ठीक है। सर्वाधिक किस में है आपका, इलाहाबाद में, और न्यूनतम कहाँ है आपका, सिक्किम में, ठीक है, न्यूनतम कहाँ है आपका, सिक्किम में। वहीं छत्तीसगढ़ का देखें तो टोटल हमारे पास सीट कितने हैं, 30, इसमें से फिलअप कितना किया गया है, 15, ठीक है। तो 15 सीटें ही भरी गई हैं, यानी कि 15 सीटें अभी भी हमारे राज्य में खाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में हवाई सेवाओं में रायपुर को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, विच प्लेस इन द कंट्री हैज़ रायपुर करंटली गॉट इन द एयर सर्विसेज। ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकेंड, ऑप्शन सी है थर्ड, और ऑप्शन डी है फोर्थ, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, थर्ड। हवाई सेवाओं में रायपुर को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, कौन सा स्थान, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ने 58 घरेलू एयरपोर्ट में सर्वाधिक यात्रियों की संख्या के आधार पर, आधार क्या है आपका, सर्वाधिक यात्रियों की संख्या, इस आधार पर रायपुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, बल्कि रांची को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इन एयर सर्विसेज रायपुर हैज गॉट द थर्ड प्लेस इन द कंट्री, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट हैज गॉट दिस प्लेस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 58 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, रांची रैंक्स फर्स्ट अमंगस्ट देम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत देश का चौथा सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क छत्तीसगढ़ में कहाँ निर्माणाधीन है, ठीक है, चौथा नंबर का आपका क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये कहाँ निर्माणाधीन है, वेयर इज द फोर्थ लार्जेस्ट जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इन इंडिया अंडर कंस्ट्रक्शन इन छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है दुर्ग, और ऑप्शन डी है राजनांदगांव। अगर ऑप्शन में नया रायपुर रहता तो इसे आपको आंसर नहीं लेना है, क्योंकि इसका आंसर है रायपुर, ठीक है। इसको डील करते हैं। भारत देश का चौथा सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ बन रहा है, पंडरी रायपुर, ठीक है, जो आपका पुराना बस स्टैंड पंडरी है उसी के पास में बन रहा है, जो कि आपका देखिए मुंबई आपका फर्स्ट है, कोलकाता सेकंड है, सूरत थर्ड है, और फोर्थ कौन सा है, रायपुर, ठीक है। टोटल एरिया कितना है, 10 एकड़ इसमें बन रहा है, और यहाँ पर आपको ATM गेस्ट हाउस के साथ साथ रेस्टोरेंट का भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 से 35 वर्ष आयु वर्ग में शिक्षा क्षेत्र में देशभर में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 35 ईयर्स विच प्लेस हैज़ छत्तीसगढ़ सिक्योर्ड ऑल ओवर द कंट्री इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है 10th, ऑप्शन बी है 11th, और ऑप्शन सी है 8th, और ऑप्शन डी है 12th। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 11th। प्रदेश में 3 से 35 वर्ष आयु वर्ग में शिक्षा क्षेत्र में देश भर में 11वां स्थान प्राप्त किया है, वहीं केरल राज्य ने अधिकतम औसत शिक्षा के साथ 53.2% व ओडिशा राज्य ने 38.3% के साथ न्यूनतम स्थान दर्ज किया है, यानी ओडिशा सबसे मिनिमम यानी सबसे लोएस्ट पे है, और आपका केरल सबसे हाईएस्ट पे है। वहीं छत्तीसगढ़ ने 44.9% यानी 44.9% के साथ अपना 11वां स्थान दर्ज किया है। द स्टेट हैज सिक्योर्ड 11th पोजीशन इन द एजुकेशन सेक्टर इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 35 ईयर्स। केरला स्टेट हैज द हाईएस्ट एवरेज एजुकेशन विथ 53.2% एंड ओडिशा स्टेट 38.3%। यहाँ लोएस्ट नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, हाईएस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। द सेम छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड इट्स 11th पोजिशन विथ 44.9%। यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ पर क्या आपका हाईएस्ट आएगा, ठीक है ना। केरला ने क्या किया, हाईएस्ट किया है, और आपका ओडिशा ने क्या किया है, लोएस्ट किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन में देश में कौन सा स्थान रखता है, एट प्रेजेंट विच स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज प्लेस्ड इन द कंट्री इन पावर जनरेशन, ठीक है। विद्युत उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान पूछ रहा है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चार ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए फर्स्ट, ठीक है। काफ़ी गर्व की बात है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है, वहीं तेलंगाना आपका सेकंड है और झारखंड आपका थर्ड है। यह गणना PLF यानी प्लांट लोड फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, प्लांट लोड फैक्टर पर ही यह डिपेंड करता है। प्लांट लोड फैक्टर की वैल्यू अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का 70.51% है, जबकि इंडिया का 49.58% है, ठीक है ना, 49.58% है आपका, और वहीं छत्तीसगढ़ जो है इंडिया के परसेंटेज से कहीं स्तर पर ज़्यादा है। वहीं तेलंगाना देखें तो तेलंगाना 68.23% के साथ सेकंड है, और झारखंड आपका 61.74% के साथ थर्ड पोजीशन पर है। आगे बढ़ते हैं।
वर्तमान स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ राज्य को देश में कौन सा स्थान मिला है? छत्तीसगढ़ को फिर से पूछ रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में, क्लीनलीनेस सर्वे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है एट्थ और ऑप्शन बी डी है आपका 20th। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब है फर्स्ट, यानी स्वच्छता में भी छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को देश में स्वच्छतम राज्य का दर्जा मिला है। स्वच्छतम मतलब जैसे आप न्यायालय व्यवस्था में समझ सकते हैं कि उच्च और उच्चतम होता है, वैसे स्वच्छ और स्वच्छतम होता है। ठीक है, स्वच्छतम सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं। 2017 में हमारे राज्य को कोई स्थान नहीं मिला था, वहीं 2018 में तीसरा स्थान मिला था, और बल्कि 2019 और 20 में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की वजह से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको हम यहाँ पर प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही छत के नीचे समस्त कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए नवा रायपुर में कृषि भवन का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? नवा रायपुर में। यह 5 एकड़ में बनेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, प्रक्षेत्र वानिकी, पशुधन विकास, मछली पालन सहित छत्तीसगढ़ राज्य जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी आदि विभागों के कार्य संपादित भी होंगे। साथ ही मंडी बोर्ड, गौ सेवा आयोग, कृषक कल्याण मंडल आदि भी यहाँ पर, इनके कार्यालय जो है यहाँ भी रहेंगे। टू प्रोवाइड ऑल द एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अंडर वन रूफ कृषि भवन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन नवा रायपुर। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन 5 एकर वेयर एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट, फिशरीज इंक्लूडिंग, ठीक है, फिशरीज इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, द वर्क्स ऑफ द स्टेट वाटरशेड मैनेजमेंट एजेंसी डिपार्टमेंट विल बी परफॉर्म्ड। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस ऑफिसेस ऑफ मंडी बोर्ड, गौ सेवा कमीशन, स्टेट फार्मर्स वेलफेयर बोर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी काम करेंगे। ठीक है, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, खेलों से संबंधित कुछ जानकारी है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपका विभिन्न खेलों के लिए राज्य में भिन्न भिन्न जिलों में खेल अकादमी की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में आपका स्पोर्ट्स एकेडमिक स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं। रायपुर जिला में आपका हॉकी और आर्चरी को लेकर के आपका इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में आपका एकेडमी बन रहा है। वहीं एथलेटिक्स को लेकर के कोटा स्टेडियम और क्रिकेट को लेकर के आपका क्रिकेट स्टेडियम परसदा में बनाया जा रहा है क्या? एकेडमी। वहीं बिलासपुर में स्विमिंग और कबड्डी को लेकर के जिला खेल परिसर, आर्चरी, एथलेटिक्स और मार्शल आर्ट को लेकर के राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र, दुर्ग में फुटबॉल में आपका पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग, बास्केटबॉल में आपका पंत स्टेडियम भिलाई। ठीक है, पंडित रविशंकर आपका दुर्ग में भी है। ठीक है, बास्केटबॉल में आपका पंत स्टेडियम भिलाई। राजनांदगांव में बास्केटबॉल और टेबल टेनिस के लिए दिग्विजय स्टेडियम, अंबिकापुर फुटबॉल के लिए आपका गांधी स्टेडियम, आर्चरी क्रिकेट के लिए आपका कोरबा जिला में प्रदर्शनी स्टेडियम, रायगढ़ जिला में क्रिकेट कबड्डी को लेकर के रायगढ़ स्टेडियम, जगदलपुर में आर्चरी में इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम धर्मपुरा और फुटबॉल में सिटी फुटबॉल ग्राउंड, और वहीं कबड्डी और खो खो को लेकर के कांगेर जिला में सिंगार भाटा स्टेडियम में खेल अकादमी या स्पोर्ट्स एकेडमी स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के लेक्चर्स आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए सामर्थ्य के साथ।